हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वोटर आईडी कार्ड आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 15 दिनों में ये आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या बीएलओ के माध्यम से आपके घर पर मिल जाएगा। तो ये अप्लाई कैसे करना है, क्या है प्रोसेस? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर, आप देख रहे हैं नेशनल ऑनलाइन। दोस्तों अप्लाई से लेकर बनने तक का प्रोसेस मैं पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको nvsp.in इस वेबसाइट को आपको ओके कर लेना है। ये वोटर आइडेंटिटी कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको दोस्तों लॉगिन या रजिस्टर्ड यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको ओके कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। अगर आपके पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करेंगे, और जिनके पास नहीं है यहाँ डोंट है पे अकाउंट पर रजिस्टर करेंगे, नया अकाउंट यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डालकर आपको वेरीफाई पर ओके करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आई डोंट हैव एपिक नंबर, इस पर आपको ओके कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा फर्स्ट नेम, नेम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना होगा, अल्फाबेट न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर में। उसके बाद सेम वही क्लियर करने के, उसके बाद रजिस्टर पर ओके करेंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका ये आईडी यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। यहाँ यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर ही यूजर नेम रहेगा, जो पासवर्ड क्रिएट किए हो पासवर्ड आपको डालना होगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको ऊपर मिल जाएगा फ्रेश इंक्लूजन ऑफ इनरोलमेंट, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है इस पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपना सिटीजनशिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आई रेसिडेंस इन इंडिया, इस पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार आपका पेज ओपन होगा। यहाँ से आपका विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट से आपको यहाँ विधानसभा का लिस्ट मिल जाएगा, जो भी आपका विधानसभा होगा यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टेट आपको ऑलरेडी यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हाउस नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको हाउस नंबर जो भी आपका होगा वहाँ फिल करेंगे। उसके बाद लोकेलिटी एरिया में आपको फिल करना है। उसके बाद विलेज आप लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड यहाँ डालेंगे। अब जैसे ही आप सब लिख के यहाँ टैप दबाइएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में बदल जाएगा जो भी आपका ओरिजिनल होगा। उसके बाद यहाँ रेसिडेंस दिया है कि आप कब से रह रहे हैं, उसका यहाँ डेट आपको फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आने पर यहाँ आपको एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है कि आप एड्रेस प्रूफ में क्या दे रहे हैं। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इसका फाइल जो है JPG में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप एड्रेस यहाँ प्रूफ देंगे एड्रेस प्रूफ में, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपको मिल जाएगा इंटर फैमिली ईपिक नंबर इफ एप्लीकेबल, यहाँ आपको अपने रिलेशन में जो भी देंगे हस्बैंड के या पति का जो भी दीजिएगा उसका यहाँ फैमिली ईपिक नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको ओके कर देना है। पर आपका टाइप दबने के बाद हिंदी में सही नाम नहीं आ रहा है तो आप इनपुट टूल के इस्तेमाल करके आप उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पर आपको ओके कर देना है। सब डाटा फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आपका जन्म तिथि क्या है, इसको यहाँ अपना फिल करेंगे। दोस्तों अगर आप लेडीज का बना रहे हैं तो यहाँ उसके मायके का ही डिटेल्स डालिएगा और शादी हो गया होगा तो। उसके बाद यहाँ से उसका स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उसी का सिलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ जन्म स्थान के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको पता जो भी भरना होगा वो नेक्स्ट में भरेंगे, आगे बढ़ेंगे। जन्म डिटेल्स फिल करने के बाद हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ आपको एज प्रूफ में सिलेक्ट करना है। यहाँ एज प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, JPG में 2 MB से कम। यहाँ आप क्या एज प्रूफ में देंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एज डिक्लेरेशन में पूछा जा रहा है या JPG में डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा 2 MB से कम। इसका दोस्तों यहाँ फॉर्म आपको मिल जाएगा, यहाँ दिया है डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और ये फॉर्म फिल करके आपको फिर से अपलोड करना होगा। हम डाउनलोड कर लिए, आपको दिखा देते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, उसके बाद भर के फिर से आपको अपलोड करना होगा। अभी डाटा दोस्तों फिल करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है, यहाँ नाम लिखेंगे उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। उसके बाद सरनेम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक बदलेगा। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम, यहाँ जो भी आपको फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन, यहाँ रिलेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी प्रकार रिलेटिव का नाम लिखेंगे और टैब दबाएंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। उसके बाद सरनेम लिखेंगे और टैब दबाएंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक बदलेगा। उसके बाद यहाँ अपलोड योर फोटो, यहाँ फोटो अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ फोटो फाइल्स दिया है, यहाँ जेपीजी में फाइल होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। जब फोटो आप अपलोड कीजिएगा, यहाँ से आपको माउस से अपने फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा सेंटर पॉइंट में। उसके बाद गेट प्रीव्यू ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है, उसी शेप में आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ दोस्तों विकलांगता का प्रकार दिया है, यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ईमेल आईडी फिल करना है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। सभी डाटा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आपका पेज ओपन होगा। यहाँ दोस्तों प्लेस आपका स्थान पूछा जा रहा है, अपना स्थान लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर ओके करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ यहाँ इस प्रकार यहाँ प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अपना डाटा सब चेक कर लीजिएगा। डाटा चेक करने के बाद आपको सबमिट पर ओके कर देना है, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। अपना सारा डाटा आपको सही सही चेक कर लेना है। दोस्तों सभी डाटा यहाँ चेक करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पर ओके कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार आपका पेज ओपन होगा। यहाँ रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस रेफरेंस आईडी को प्रिंट कर लीजिएगा, इस भविष्य में आपके काम आएंगे। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। दोस्तों इसका स्टेटस भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं रेफरेंस आईडी को और ट्रैक स्टेटस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं और डैशबोर्ड में आपको दिखा देते हैं। यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ आप रेफरेंस आईडी को लिख लेना है, उसके बाद ट्रैक स्टेटस पर ओके करना है। यहाँ आपको किस किस प्रोसेस होकर गुजरेगा यहाँ आपको शो करने लगेगा। यहाँ फर्स्ट में आप सबमिट किए हैं, उसके बाद यहाँ दोस्तों बीएलओ अपॉइंट दिया है, उसके बाद फील्ड वेरीफाई दिया है। यहाँ डॉक्यूमेंट से आपको वेरीफाई होगा। यहाँ हेयरिंग का एक ऑप्शन आता है, जो कि अप्लाई के 5 से 7 दिन के अंदर हेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है चेक करने पर। उसमें आपको डेट लिखा रहता है कि किस डेट में आपका आवेदन वेरीफाई होगा। नियरेस्ट ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपका ईपिक नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपके बीएलओ के माध्यम से आपको स्मार्ट कार्ड घर पर भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर अब भी आपको कहीं डाउट है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।